जब मेरा जन्म हुआ तो मैं एक तीसरी बेटी थी तो लोगों का ये कहना था कि अरे फिर छोरी हुएगी मैं कहें जहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब होती थी कि 48, 72 टू या नाइन्टी सिक्स आवर्स भी हमने स्ट्रेट सर्व किया था अरे यू की तैयारी कर रही है यू की तैयारी कर रही है तो अटैम्प्ट कौन सा है अटैम्प्ट कौन सा है तो फिर निकल गया है तो रैंक कौन सी आई है रैंक मिल गई तो सर्विस कौन सी है सर्विस मिल गई तो पोस्टिंग कहाँ है पोस्टिंग मिल गई तो डिपार्टमेंट कौन सा है तो ये नेवर एंडिंग रेस है कि कल और आएंगे नगमो की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले मैं पल दोपल का शायर हूँ पल दोपल मेरी कहानी है नमस्कार मेरा नाम मुदिता है मेरा एक प्रिय गाना है मैं पल दोपल का शायर हूँ उस गाने की कुछ पंक्तियां हैं कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भरकर लौट गए कुछ नगमे गाकर चले गए वो भी एक पल का किस्सा थे मैं भी एक पल का किस्सा हूँ तो मैं मैं अपना किस्सा सुनाने आज आप लोगों के सामने आई हूँ राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से कस्बे मेटता जिसे मीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है वहाँ मेरा जन्म हुआ है वहीं पे मेरी आरंभिक शिक्षा कक्षा आठवीं तक वहाँ के मीराबाल मंदिर विद्यालय में और उसके बाद की शिक्षा मेरी नवी से बार्वी, बार्वी कक्षा तक की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है आम तौर पे हम ऐसा देखते हैं कि बेटियों को को लेके लेके उनके जन्म को ले बहुत सकारात्मक और प्रगतिशील विचारधारा हमारे देश में नहीं देखी जाती है हालांकि अब समय बदल रहा है लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैं एक तीसरी बेटी थी तो लोगों का ये कहना था कि अरे फिर छोरी होगी मैं के तो मतलब क्योंकि तीसरी लड़की होना अपने आप में एक सेलिब्रेटरी या वेलकमिंग स्टेप नहीं माना जाता है तो मेरा तो बर्थ ही वेलकमिंग और सेलिब्रेटरी नहीं था लेकिन आगे की जीवन यात्रा जो रही उसमें भगवान का आशीर्वाद रहा और कुछ सफलताएं कुछ असफलताएं जो मैंने देखी मुझे लगता है आपसे साझा करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा होने के बाद क्योंकि बचपन से कोई ना कोई एक ड्रीम हम लेके चलते हैं तो मेरा ड्रीम था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि कल्पना चावला जी की फोटो हम बचपन से देखा करते थे अंतरिक्ष की कहानियां सुना करते थे तो था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे लेकिन ट्वेल्थ के साथ और ट्वेल्थ के बाद आई देने के जो दो ही अटैम्प्ट होते हैं तो ट्वेल्थ के बाद वाला जो मैंने ड्रॉप वाला अटैम्प्ट लिया था उसमें मेरा सलेक्शन नहीं हुआ और पहली कक्षा से बारवीं कक्षा तक मैं पढ़ने में एक बहुत अच्छी लड़की थी टेंथ क्लास में मेरिट आई गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से स्कॉलरशिप मिली जापान जाने का मुझे मौका मिला तो मेरी लाइफ में ये पहला सेटबैक था जहाँ पे मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन से सी सीधा एक डाउनफॉल देखा कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिली है तो पहली बार मुझे लाइफ में फेलियर का मतलब पता चला और उसी सब ड्यूरेशन में लगा कि अब आगे क्या करें आईआईटी में तो सिलेक्शन नहीं होगा तो क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट थे एडिशनल बायो मैंने ले रखी थी बट बहुत ज़्यादा बायो का नॉलेज मुझे नहीं था क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट होने की वजह से कभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी मैं उस पर लेकिन बाद में ये डिसीजन लिया गया कि बायो लेना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है क्यों ना बायो लेके और नीट की तैयारी की जाए और जिस साल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी साल नीट का पहली बार कंसेप्ट आया था उससे पहले आर और ए हुआ करती थी तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन था कि नया एग्ज़ाम होने वाला है जिसके पैटर्न के बारे में कोई नॉलेज नहीं है पेपर कैसा आएगा इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है लेकिन मेरे फादर और मेरे पापा के कुछ स्टूडेंट्स थे जो जो डॉक्टर थे उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पढ़ने में ठीक है तो थोड़ी मेहनत करेगी थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे तो हो सकता है निकाल ले तो मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट की पहली बार एकदम एकदम बेसिक से मैंने पढ़ना शुरू किया इलेवंथ और ट्वेल्थ की बायो मैंने जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया वो बिल्कुल ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दिया था तो कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी तो जो नीट के अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मैंने जब तैयारी शुरू की मुझे बेसिकली कुछ भी नहीं आता था लेकिन इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों की बायो मैंने एक ही साल में पढ़ी एक ही साल में मैंने उसी साल फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी नीट के लिए और उस साल ये दिक्कत थी कि बायो की जो एन थी वो नई एन सी थी तो हिंदी की एन में स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी तो मैं हिंदी माध्यम की छात्रा रही बारहवीं कक्षा तक तो कभी बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का या बहुत ज़्यादा ऐसा कि इंग्लिश पर फ्लुएंट कमांड हो ऐसा नहीं था लेकिन तब मुझे समझ में आया एनसीईआरटी को पढ़ के कि ये तो दिक्कत होगी पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारा तो शुरुआत के दो तीन महीने मैंने केवल ट्रांसलेशन किया मैं इंग्लिश की एन और हिंदी की एन दोनों साथ लेके बैठती थी और पूरी बुक्स को मैंने इलेवेंथ और ट्वेल्थ की ट्रांसलेट करके हिंदी की एन में जितनी भी गलतियाँ थी उनको ठीक किया और उसके बाद मैंने उन बुक्स का रिविज़न स्टार्ट किया तो जो नीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर एक साल में मैथ्स बैकग्राउंड से आकर बायो में मैं पढ़ सकती हूँ और उस साल फिर मुझे सिक्स थाउजेंड ऑल इंडिया रैंक हासिल हुई और राजस्थान का सेकेंड टॉपअ जो कॉलेज आमतौर पे कहा जाता है डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से एम की तो यहाँ तक की यात्रा में कभी भी यू मेरा एक बहुत जो कहें कि एक दृढ़ संकल्प नहीं था बैक ऑफ द माइंड हमेशा जैसे क्योंकि हर बच्चे की स्टोरी होती है कि उनके स्कूल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं या फिर किसी कार्यक्रम में उनको देखा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा के रूप में रहते हैं वो मेरी भी थी प्रेरणा लेकिन कभी उस तरीके से उस प्लान को दिशा देने का देने के बारे में कभी सोचा नहीं था लेकिन जैसे जैसे मैं कॉलेज में आई मैंने कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट शुरू करना शुरू किया फिर मैं कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल में लिटरेरी सेक्रेटरी बनी तो वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को नज़दीक से देखा क्योंकि डिपार्टमेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ आप जब स्टूडेंट लीडरशिप में होते हो तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बैलेंस बनाना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कार्य प्रणाली होती है उसको आप देखते हो तो वो कार्य करते करते एक साल मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ उसमें मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मुझे लगता है टफ डिसीजंस थे कुछ ऐसी मैंने परजुएशन वाले जो है लोगों को काम करवाए तो मुझे लगता है कि उन सब की वजह से एक कहीं ना कहीं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की भावना जो है वो तब मेरे में, में आई और मुझे लगा कि मैं ज़्यादा फिट हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए बजाय कि सिर्फ मेडिकल में रहने के तो उसके बाद जैसे मेरा थर्ड ईयर फाइनल ईयर आते आते ये डिसीजन लिया गया कि मुझे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी चाहिए तो 2013 का नीट क्लियर करने के बाद मार्च 2019 में मेरा जो है एम बी बी हुआ इंटर्नशिप के साथ और तब मैंने तैयारी शुरू की उसी साल मेरे कई साथी लोगों ने भी तैयारी शुरू की तो दो जो है डिफरेंस बहुत बड़े थे एक तो मेरे साथ क्योंकि एम इंग्लिश में होती है और ये भी होता है कि छः साल पढ़ते पढ़ते आपकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ ठीक ठाक हो जाती है चाहे आप हिंदी माध्यम की भी हैं अगर आप किताबें ढंग से पढ़ते हैं तो आपकी पकड़ हो जाती है तो एक तो ये कि कौन से माध्यम का चयन किया जाए हिंदी माध्यम से पेपर दिया जाए या इंग्लिश माध्यम से अंग्रेजी माध्यम से पेपर दिया जाए तो इसका डिसीजन मेरे लिए थोड़ा टफ़ डिसीजन था क्योंकि मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ी हूँ तो उस वजह से हिंदी भाषा पर मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी कॉलेज में भी मैंने कई सारी हिंदी प्रतियोगिताओं में डिबेट में भाषणों में इन सब में कविताओं में इन सब में हिस्सा लिया था तो हमेशा से ये था कि हिंदी पर पकड़ अंग्रेज़ी से तो ज़्यादा ही अच्छी है लेकिन मेरे साथ वाले सब लोगों ने इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट किया तो उन सब से एक अलग डिसीजन लेना और खासकर तब ये जो समय था हिंदी माध्यम के लिए 2016-17 से लेके और 2021 तक का समय हिंदी माध्यम के लिए परिणाम की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल समय नहीं था तो उन विषम परिस्थितियों में ऐसा डिसीजन लेना भी कहीं ना कहीं लग रहा था खुद के पैर पे कुड़ी मारने वाला डिसीजन तो नहीं है बट वो होता है कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है मुझे लगता है हर इंसान को वही सुनना चाहिए मुझे मेरी अंतरात्मा हमेशा ये कहती थी कि मेरा सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हो सकता है तो फिर मैंने हिंदी को माध्यम चुना और क्योंकि मेरी बचपन से ही कविताओं में रुचि थी तो मैंने हिंदी साहित्य को मेरा ऑप्शनल विषय चुना उसके बाद दूसरा डिसीजन था क्योंकि 2019 मार्च में हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थी थोड़ी थोड़ी तैयारी इंटर्नशिप के साथ हम लोग देख रहे थे किताबें एनसीआर वगैरह तो टू वाला पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसको लेके भी बड़ा सोच विचार किया गया मेरे साथ वाले कई लोगों ने पेपर दिया बट मुझे ये था कि मैं पहला अटैम्प्ट बहुत सीरियस तरीके से तैयारी करके दूंगी और ये सोच के मैंने 2019 वाला अटैम्प्ट स्किप किया 2020 का सोच के और तैयारी स्टार्ट की एक साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तैयारी की, की कोचिंग में रह के तैयारी की और उसके बाद आपको लगता है कि ये अटैम्प्ट आप बहुत सीरियसली देने वाले हो जून 2020 वाला अटैम्प्ट लेकिन ऑल ऑफ सडन कोविड आ जाता है जिसका किसी ने कोई एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को कुछ पता नहीं था और तब भी आपको लगता है कि कोई बात नहीं लेकिन उस वक्त दिल्ली में माहौल इतना ज़्यादा ऐसा हो गया था कि कोई भी अपनी हेल्थ को रिस्क पर डालने को तैयार नहीं था तो घर वालों ने ये डिसीजन लिया कि जो है घर पर शिफ्ट किया जाए तो मैंने घर पर शिफ्ट किया और उसी वक्त क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन के जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली वो एग्ज़ाम्स की रिक्रूटमेंट आई तो मेरे साथ वाले जो भी बच्चे यू की तैयारी कर रहे थे मेरे कलीग्स सब ने उस एग्जाम को देने का डिसीजन लिया तो उस उस पेपर में कुछ गलतियाँ हुई कुछ बार बार पेपर होने की वजह से दो तीन बारी वो पेपर शेड्यूल रीशेड्यूल हुआ और फाइनली पता चलता है कि मेरा उस पेपर में भी नहीं हुआ क्योंकि एक साल आप मेडिकल साइंस से बहुत दूर रह गए हो और एक दो महीने में पढ़ के आप उसको उतना रिक, रिकवर नहीं कर पाए सिलेबस को कवर नहीं कर पाए कि आप मेडिकल ऑफिसर के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैं एक या दो मार्क्स से बहुत कम क्वेश्चन से मिस कर दिया मैंने उस पेपर को तो ये भी अपने आप में एक तनाव उस वक्त था कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस बी किए थ्रू आउट कॉलेज आप आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो हमेशा आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं बट uh, अब आपका रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत कम मार्क्स से मिस हो गया है लेकिन उस वक्त ये था कि अभी सर्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो कैसे सर्व किया जाए और जब आपके आसपास वाले कमा रहे होते हैं तो थोड़ा आपको ये भी स्ट्रेस होता है कि ये सब लोग जो हैं अर्न कर रहे हैं हम अर्न नहीं कर रहे हैं ये सब लोग सर्व कर रहे हैं हम सर्व नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी प्रिपरेशन जो है उसको एक बारी आगे खिसकाया जाए पोस्टपोन किया जाए और उस प्रिपरेशन को मैंने पोस्टपोन करके ये डिसीजन लिया कि क्योंकि कोविड में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी को सर्व करना और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब हम जाते हैं तो हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल सर्विसेज है वो जॉब नहीं है वो सर्विस है तो लोगों को सर्व करना उसका पर्पज़ है तो मुझे लगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक, एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से मैं लोगों को सर्व कर सकती हूँ तो मैंने जयपुर की एक कारपोरेट हॉस्पिटल में अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने सर्व करना स्टार्ट किया तो कोविड की जो सेकंड वेव थी वो सेकंड वेव में मैंने पूरा सर्व किया और उस वक्त ये जो प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट है वो पूरा मेरा छूट गया था क्योंकि एक तो हॉस्पिटल के जो ड्यूटी आवर्स होते थे मेरे वो ट्वेंटी फोर आवर्स के यूजल साइकिल होता था और कई बार हमने ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब होती थी कि 48, 72 या 96 आवर्स भी हमने स्ट्रेट सर्व किया था तो उस सिचुएशन में एक तो खुद की प्रिपरेशन को छोड़ना वो एक तनाव का कारण था और दूसरा उसके साथ तनाव का कारण था कि अपने आसपास बहुत यंग लोगों की डेथ देखना और जो अनएक्सपेक्टेड आपको लग रहा है इस मिनट ये लोग सरवाइव कर जाएंगे अगले ही मिनट उनको अपनी आंखों के सामने जाते देखना तो वो फेज अपने आप में हम डॉक्टर्स के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी एक टफ फेज था तो धीरे धीरे उस फेज से बाहर हम लोग निकले और फिर तैयारी करना शुरू किया फिर डिसीजन लिया कि इस बार का अटैम्प्ट दिया जाए बट क्योंकि हॉस्पिटल के साथ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई तो जो दूसरा अटैम्प भी था ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला वो अटैम्प भी प्रिलिम्स नहीं लिखा तो दोनों अटैम्प ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले मेरे अटैम्प्ट जो थे वो मेरे हेल्थ सेक्टर के साथ साथ चले और दोनों अटैम्प्ट मैं प्रिलिम्स नहीं निकाल पाई फिर क्योंकि दो तीन साल हो गए थे प्रिपेयर करते करते ट्वेंटी वन आ गया था टू थाउजेंड नाइनटीन से तो ये लग रहा था कि इस तरीके से जॉब के साथ तो सर्विस के साथ हेल्थ सेक्टर की सर्विस के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा तो ये डिसीजन लिया गया कि इसको छोड़ा जाए और एक बार ही फुल टाइम जो है प्रिपरेशन को टाइम दिया जाए बट ये डिसीजन लेते लेते मैंने इतनी देर कर दी कि मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एग्जाम था और ये डिसीजन लेते लेते ऑलरेडी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू आ गया था तो दो ही महीने बचे थे फिल्म में बट ये सोचा कि कोई बात नहीं अब दो महीने बचे हैं तो दो ही महीने अच्छे से लग के पढ़ा जाए क्योंकि पहले थोड़ा पढ़ रखा है तो जितना ज़्यादा मेहनत इस बार कर लेंगे एग्ज़ाम निकल जाएगा उन दो महीने मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और फिर वहाँ की डे लाइब्रेरी मैं हमेशा रात को पढ़ने वाली हूँ लेकिन मुझे दिन की लाइब्रेरी जयपुर में दिन की ही लाइब्रेरी मिली वहाँ रात को लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी तो खुद को वापस रीशेड्यूल करना उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रीशेड्यूल करना लेकिन उस अटैम्प्ट में मैंने उन सारी हर अटैम्प्ट में 2020 और 21 के अटैम्प्ट में मैं हर बार ये सोचती रही कि कैसे भी करके अगर मैंने प्रीलिम्स निकाल भी लिया तो मेरी इतनी तैयारी तो नहीं है कि मैं मेरा मेंस निकल जाए और यही सोच के मैंने प्रीलिम्स में कभी फुल एफर्ट्स नहीं लगाए लेकिन जब 2022 वाला मैंने अटैम्प्ट दिया मैंने इस बार अपनी अप्रोच को चेंज किया मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं मेन्स की प्रिपरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं इस बार प्रिलिम्स निकाला जाए फिर देखा जाएगा प्रिलिम्स और मेन्स के बीच देखा जाएगा कि कितना हम प्रिपेयर कर पाते हैं क्योंकि मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि 2019-20 में जब एक साल मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी तब मैंने खूब अच्छे से आंसर राइटिंग की थी और मेरा ऑप्शनल भी मैंने तैयार किया था लेकिन उस सबको दो तीन साल हो गए थे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकल गया बट अब से सब सब सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेन्स को कैसे साधा जाए तो ये समझ में आया कि हिंदी माध्यम से अगर आप हैं तो आपका ऑप्शनल आपका इथिक्स का पेपर और आपका ऐसे का पेपर ये जो है अच्छे पेपर होने चाहिए क्योंकि ये चारों पेपर आपको अच्छा स्कोर करवा सकते हैं तो यही सोच के फिर मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनी सर के गाइडेंस में विकास सर के गाइडेंस में मेंटर सर के गाइडेंस में मैंने प्रिलिम्स का एग्जाम जो है वो क्लियर करके मेंस की तैयारी करना शुरू किया उसमें भी कई ऐसी परिस्थितियां थी मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे दादाजी बहुत बीमार थे तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी तो कई सारी ऐसी सिचुएशन थी जिससे लग रहा था कि मेंस का एग्ज़ाम तो नहीं निकल पाएगा इनफैक्ट हमारा जब 16 सितंबर को एग्ज़ाम था मुझे याद है मेरे दादाजी इतने ज़्यादा बीमार थे कि 13 सितंबर को मैंने सर से बात की उन्होंने बोला कि सर मैं मेन्स देने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ इस बार का मेन्स स्किप किया जाना चाहिए तो इस तरह के मेंटल लेवल से जैसे तैसे उन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने समझाया कि नहीं आप पेपर दीजिए उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है तो उसके बाद मैंने मेंस के एग्ज़ाम दिए और बस मुझे ये लगा मुझे मेरे साथ ये था कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स ठीक थी तो मेरे लिए टास्क पेपर कंप्लीट करना था केवल क्योंकि कंटेंट मेरा बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था तो पेपर कंप्लीट करने के लिए बस मुझे जितना समझाया गया जितना मुझे नोट्स दिए गए उनको मैंने पढ़ने की कोशिश की और क्योंकि मेरे साथ आंसर राइटिंग स्किल अच्छी थी तो मेरे टीचर्स मैंटर्स इस बात को लेकर श्योर थे कि तुम ठीक ठाक आंसर लिखती हो तो अगर तुम सारे आंसर्स लिख के आ जाओगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा तो वही मैंने किया भी मैंने सारे पेपर्स को एकदम कंप्लीट किया मैं किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आई और क्वालिटी भी मेरे कुछ आंसर्स की बहुत अच्छी थी कुछ की एवरेज थी एक दो क्वेश्चन हर पेपर में मेरे बिलो एवरेज क्वालिटी के थे लेकिन मेन्स का पेपर मेरा निकल गया और जब मेन्स का पेपर निकला तो वही ये बात मुझे अंदर अंदर हमेशा से पता थी कि ये मेन्स का पेपर मेरा बहुत बाउंड्री से निकला होगा बहुत ज़्यादा मार्जिन मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा तो इस बार की अगर लिस्ट में मुझे आना है तो मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यही बात हुई भी मैंने सर को कॉल जब 6 दिसंबर को किया रिजल्ट बताने के लिए तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अब तुम में जितनी ताकत है उतनी सा, सारी ताकत जो है वो इंटरव्यू के लिए तुम लगा दो तो उसी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में खूब सारे वाइवाज दिए हैं और यू के पैनल में ऐसा होता है कि फाइव मेम्बर्स बैठे होते हैं तो हमारे फाइनल ईयर में भी कुछ वाईवाज़ ऐसे हुए हैं मेडिसिन के जिसमें आप एक के बाद एक एक के बाद एक लगातार वाइवाज देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी प्रिपरेशन थी बचपन से माइक होल्ड करके कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेटर की वो भी प्रिपरेशन थी तो एक ये था कि बस अगर कंटेंट प्रिपेयर कर लिया तो इंटरव्यू को साधा जा सकता है तो मैंने जितनी मेहनत अपने प्रीलिम्स और मेंस में की थी उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैंने मेरे इंटरव्यू के लिए की थी क्योंकि मुझे ये पता था कि इंटरव्यू एक ऐसा फेज़ है जो मेरा इस साल के रिजल्ट में सब कुछ डिसाइड करने वाला है तो पूरा कंटेंट पढ़ना सब कुछ करना और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करना पूरा हम लोग जितने भी लोग थे जिनका इंटरव्यू होने वाला था सारे दस पंद्रह लोग बैठ के प्रॉपर डिस्कशन करते थे डेफ को ध्यान से भरने से लेके और अपना आउटफिट डिसाइड करने तक मैंने हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से डिसाइड की थी उसके बाद लेकिन इंटरव्यू से जस्ट दस दिन पहले जैसा मेरा आठ फरवरी को इंटरव्यू था तो बीस जनवरी से तीस जनवरी को मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि मेरी ये सिचुएशन भी नहीं थी कि मैं बेड से उठ पाऊँ इतना ज़्यादा मुझे वायरल फीवर और ये सब हुआ तो उस वक्त मुझे पहली बार ये लगा कि ये इंटरव्यू हाथ से निकल रहा है मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी लेकिन मेरी इस पूरी यात्रा में मेरी यूपीएससी की जितनी भी यात्रा रही है या मेरे उससे पहले भी मेरी एम की जो यात्रा रही है उसमें मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशनल फैक्टर रहा है वो कविताएं रही है क्योंकि कविताओं का मुझे बहुत शौक था तो जो राम की शक्ति पूजा कविता है उसकी पंक्तियां हैं वह एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय तो वो कविता की पंक्तियां जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि एक और मन है जिसे थकना नहीं है तो यही सोच के मैंने वापस खुद को ग्रेस्प किया उन नोट्स को रिवाइज करना शुरू किया और मैंने सात आठ दिन में रिवाइज करके आठ तारीख को मेरा इंटरव्यू दिया इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया जितना मेरा मॉक इंटरव्यू गया था एक तारीख को मैंने फाइनल मेरा मॉक इंटरव्यू दिया था और उस मॉक इंटरव्यू में भी ऐसा प्रडिक्शन किया गया कि मैं टू प्लस स्कोर कर सकती हूँ तो उसी कॉन्फिडेंस को लेकर मैं अपने फाइनल के इंटरव्यू में गई थी तो मेरी इंटरव्यू की जर्नी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी माध्यम के इंटरव्यू के लिए ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं तो मुझे ये भी था कि एक इस मिथ को भी तोड़ना है और खुद का सिलेक्शन तो लेना ही है तो इसके लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा करना जरूरी है वो हुआ भी मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले 204 मार्क्स मिले और वही मार्क्स मेरे लिए सिलेक्शन के डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बने तो ये मेरी यहाँ तक की यात्रा थी तो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने कुछ गलतियाँ की जो मैंने कुछ सीखा वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो लड़कियों के लिए मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि आम तौर पर एक तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता है स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ हेजिटेशन होती है बाहर भेजने की या उनके कुछ अपने चिंताएं होती हैं कुछ डर होते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को चार बच्चियाँ हैं उन्होंने चारों बच्चियों को अच्छे से पढ़ाया है कई बार जब आस के लोग ऐसा कहते थे कि आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं या ये सब क्यों कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स ये कहा करते थे कि हमारा तो यही तीर्थ है यही हमारी गंगा नाई है हमारे बच्चे पढ़ लिए तो वही हमारे लिए सब कुछ है तो जितना डेडिकेशन जितना कमिटमेंट मेरे पेरेंट्स ने मेरी फैमिली ने हमारी एजुकेशन को लेके रखा उतना ही अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो है मेहनत की दिशा में आगे बढ़ेंगे दूसरा मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ जो तैयारी कर रहे हैं उस फेज में है अगर आपको मौका मिला है तो प्लीज़ सीरियसली प्रिपेयर करें क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है वो अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं दी जाएगी और इतना मैं दावे से कह सकती हूँ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं अगर आप जेन्यनली प्रिपेयर कर रहे हैं सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो आपको पढ़ने से रोकेंगे ये कहना कि हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है हाँ कुछ मामलों में सिचुएशन एडवर्स होती है वो बात भी ठीक है लेकिन हमारा खुद का मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीसरा ये कि कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे रखें जो आपको उन समय पे मोटिवेट कर कर सकें जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं पहली बात तो ये कि जब डीमोटिवेटेड हो तो उसको एक अननेसेसरी बर्डन का हिस्सा ना बनाएं क्योंकि आप प्रिपरेशन फेज में हैं सारे दिन आपके अच्छे नहीं होने वाले हैं कभी लाइफ एकदम परफेक्टली स्मूदनी नहीं स्मूदली नहीं चलने वाली है तो वो दिन जब आप मोटिवेटेड हैं ज़्यादा अच्छा पढ़ें वो दिन जब आप डीमोटिवेटेड हैं ये सोच के पढ़ें कि आज का मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखें जो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाए जैसे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको मैं अक्सर कॉल किया करती थी और मैं उसको बोलती थी कि तू मुझे बता और कॉलेज में मैंने क्या अच्छा किया या फिर जब मैं टेंथ में मेरिट में आई थी तो कई बार मेरे घर वाले वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है उसकी फोटो मुझे भेजा करते थे मेरी फैमिली मुझे ये सपोर्ट किया करती थी कि तुम्हारी चिंता सिर्फ प्रिपरेशन की है रिजल्ट तुम्हारा ठीक ही आएगा हमें पूरा विश्वास है मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे टीचर्स मेंटर्स हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम निकल जाओगे तो ऐसे लोग जो आपकी सकारात्मक पक्ष को जानते हैं और आपके लिए एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म आपका रखते हो जो आपकी आलोचना करें लेकिन आप में सुधार की दृष्टि से आलोचना करें ऐसे लोगों को अपने आस रखें तो आपकी यात्रा ज्यादा अच्छी होगी और इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि तीन चार पांच गलतियाँ जो मैंने की वो गलतियाँ आप लोग ना करें पहला ये है कि प्रिपरेशन की प्रॉपर स्ट्रैटी नहीं बनाना मेरे कोई भी बैकग्राउंड में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे सिविल सर्विसेज के लिए हेल्प कर सके तो मैं शुरू से मेरी स्ट्रैटी बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं थी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नेग्लेक्ट किया मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग्स ढंग से नहीं की कभी मैंने टेस्ट सीरीज़ के तौर पे आंसर राइटिंग नहीं की क्लासेस में की बट कभी टेस्ट सीरीज़ के तौर पे आंसर राइटिंग नहीं की और मैंने कभी रेफरेंस बुक पे मैंने पहले और दूसरे अटैम्प में तो ध्यान ही नहीं दिया तो ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो हर एस्पिरेंट फॉलो करते हैं आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज न्यूज़पेपर रेफरेंस बुक्स तो इनको इग्नोर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस इनको इग्नोर करके आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं इस बात को ध्यान रखें दूसरा ये कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें दो तीन चार लोग कोई भी जिनसे आपका बैकग्राउंड मैच हो रहा है या जिनसे आपको लगता है कि इनकी अप्रोच मेरी अप्रोच से थोड़ी ठीक ठाक है उनको देख के आप जो है अपना स्टार्ट करें और एक बार जब आपने स्ट्रेटजी बना लिए तो स्ट्रेटजी के में बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें उस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहें हो सकता है वो हंड्रेड परसेंट परफेक्ट ना हो बट वो एटी 80 परसेंट भी ठीक है तो आपका काम हो जाएगा और स्ट्रेटजी पे फोकस करने के बाद आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है 365 दिन ऐसे नहीं होंगे जब आपका पढ़ाई करने का मन करे लेकिन हर दिन आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब भी आपको एक घंटा बुक तो लेके बैठना ही है तो ये मेरी तरफ से आपको है गलतियाँ क्या करते हैं हम सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जैसे एक बहुत आजकल प्रोवर्ब चलता है कि स्क्रॉलिंग इज ए न्यू स्मोकिंग तो जितना स्मोकिंग का एडिक्शन होता है उतना हमें इंस्टाग्राम की रील्स यूट्यूब की रील्स को स्क्रॉल करने का एडिक्शन है तो अपना जो ध्यान है उन रील्स को स्क्रॉल करने पर वेस्ट ना करें दूसरों की रील्स देखें अच्छी बात है लेकिन ये कोशिश करें कि आप स्वयं सक्सेसफुल हों ताकि आप उस मुकाम पे पहुंचे जहां आप किसी और को देख के आज खुश हो रहे हैं दूसरा सोशल मीडिया के अलावा दूसरा ये कि पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना तो उसमें मैं यही कहूंगी कि ये जो एज है वो डिस्ट्रैक्शन वाली एज है लेकिन ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी आपकी जो पढ़ाई है जो आपके करियर के जो गोल्डन ईयर्स हैं ये कभी दोबारा नहीं आएंगे और ट्वेल्थ के बाद के ये जो आपके तीन चार पाँच साल है ये तीन चार पाँच साल आपके अगले तीस चालीस साल डिसाइड करते हैं तो अपना सारा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई पर पढ़ दें उसके बाद में ये कहना चाहूंगी कि क्रिटिसिज्म से बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो क्योंकि कुछ लोग ही केवल ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म हमारा इम्प्रूवमेंट के लेवल से करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से करना चाहते हैं उसके अलावा मैक्सिमम लोग जो है उनका क्रिटिसिज्म हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है तो उस क्रिटिसिज्म से बचें उनसे ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें और इसके अलावा मेरा यही कहना है कि पहले तो अपना जो माध्यम है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि अपनी माध्यम या अपनी रीजनल जो लैंग्वेज है उसके लिए अपने मन में कुछ भी कुंठाएं ना रखें आप ये ना सोचें कि मेरी भाषा जो है वो अच्छी नहीं है या इससे रिजल्ट नहीं आता है उसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे पहला तो ये कि आप जिस भी भाषा से एग्ज़ाम दे रहे हैं उस भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए आप अगर हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिंदी में अशुद्धियाँ लिख रहे हैं तो वो बात ठीक नहीं है आप अपनी उस भाषा पर पकड़ रखें अच्छी हैंड बनाएं और दूसरा कि उस रीजनल भाषा पे रहते हुए भी हमें अंग्रेजी से वैमनस्य नहीं रखना है कम से कम आप अपने अंग्रेजी भाषा को इतना सक्षम रख लें कि आप पेपर में जब फाइनल पेपर में हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो दोनों को समझ के उस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में कैपेबल हों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल सी सेट को लेके एक बहुत डर जो है वो चल रहा है तो एक डिबेट बार बार आती है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को क्या करना चाहिए तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में अब आ चुके हैं तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट तो वो नहीं है जो आपने पहले पढ़े हैं इकोनॉमी पहले नहीं पढ़ा होगा सबने जोग्राफी पहले नहीं पढ़ा होगा तो जब आप इस प्रिपरेशन में आ गए हैं तो सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो सी सेट की जो मैथ्स है रीजनिंग है उसको भी एक कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह आप लें क्योंकि उसको भी एक प्रिपेयर करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अपने आसपास के कई सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके लगातार तीन तीन चार चार साल से जीएस की कट ऑफ से बीस बीस तीस तीस नंबर ऊपर हैं लेकिन सीसेट में हर बार एक एक दो दो तीन तीन नंबर से रह जा रहे हैं तो सीसेट को थोड़ा सीरियसली लें एक एक जेन्युन मैथ्स स्टूडेंट की तरह आप उस मैथ्स को प्रिपेयर करें और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो संघर्ष यात्रा है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि जैसे मेरे मेरा ही अगर देखें तो जब मैं टेंथ क्लास में पास हुई तो कितने परसेंट आए जब परसेंट पता चले तो मेरिट में कौन सा रैंक है फिर आईआईटी में नहीं हुआ तो अरे आईआईटी में नहीं हुआ फिर जब नीट में हो गया तो अरे रैंक कितनी है रैंक पता चली तो कॉलेज कौन सा मिलेगा कॉलेज अच्छा मिल गया तो अरे यूपीएससी की तैयारी कर, कर रही है यूपीएससी की तैयारी करी है तो अटैम्प्ट कौन सा है अटैम्प्ट कौन सा है तो फिर निकल गया है तो रैंक कौन सी आई है रैंक मिल गई तो सर्विस कौन सी है सर्विस मिल गई तो पोस्टिंग कहाँ है पोस्टिंग मिल गई तो डिपार्टमेंट कौन सा है तो ये नेवर एंडिंग रेस है। लाइफ में हमें इस रेस में फंसना नहीं है केवल जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी आप मुकाम पर हैं चाहे आप कोई भी सर्विस कर रहे हो वहां अपना बेस्ट दें और छोटी से छोटी सर्विस में इतना कंट्रीब्यूट करें कि जब आप उस पद को छोड़ें या जब आप उस पद से स्थानांतरित हों, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो ये याद करे कि उन्होंने ऐसा काम किया था तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रिपरेशन जो है इसकी जो जर्नी है वो कभी कभी हमें डीमोटिवेशन से एनजाइटी और डिप्रेशन तक भी पहुँचा देती है तो अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें क्योंकि मैंने खुद ऐसे दिन देखे हैं जहाँ पे मैं बहुत डिप्रेस थी और एक डॉक्टर होते हुए स्वयं को डिप्रेशन में डायग्नोस करवाना ये भी अपने आप में एक बहुत टफ़ टास्क है खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाना उन मेडिसिन को लेना और तमाम काउंसलिंग और इन सब चीज़ों से निकलना तो ये एक अपने आप में बहुत टफ चीज़ है तो अपने आसपास वाले लोगों से बात करें अगर इस तरह की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें लेकिन कभी भी निराश ना हो मेरे आसपास कई ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो मेरी कहानी से ज़्यादा प्रेरणास्पद है जिनके संघर्ष मुझसे ज़्यादा प्रेरणास्पद है तो ऐसा कहा जाता है जो मैंने जिस गाने से शुरू किया था उसी गाने की अगली पंक्तियाँ ये हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले मैं पल दोपल का शायर हूँ पल दोपल मेरी कहानी है शुक्रिया